फ्रंट गेनर। आज की वीडियो में हम आपको वो चीज सिखाने वाले हैं। हंसो मत यार, तुम लोग हंसोगे तो मेरे को भी हंसी आएगी। गाइस ये सब हंसते रहते पीछे। लेट्स गो। सो फ्रंट गेनर करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी बैकफ्लिप आनी चाहिए, मतलब आपको बैकफ्लिप पीछे वाली से आपको ग्रंथ गेनर में आगे जाना पड़ेगा, इसलिए आपको बैकफ्लिप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जैसे आपको लगे आपकी बैकफ्लिप कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हार्डली वे में चीजें करनी पड़ेगी। सो आपको सिंपली बैकफ्लिप को इतना क्लीन करना है कि आप यहाँ से एक ही जगह पर आ जाओ। तो इसके लिए मैं प्रॉपर एक मेरी प्रोग्रेस वीडियो बनाई, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हो, बहुत पहले जब जिस तरीके से सीखा था। तो सबसे पहले आपको बैकफ्लिप एक ही जगह पर करनी है। सिंपली मैं खड़ा हूँ, मेरा जो हैंड का फोर्स रहता है बॉडी को पीछे लेकर नहीं जाना है, बॉडी को आपको ऊपर लेकर जाना है ताकि आप ऊपर लेके जाओ, एक ही जगह पर घूमो एंड नीचे लैंड करो। हैंड सामने, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऊपर जाने के बाद चेस्ट को पीछे नहीं करना। जहां जहां आपका चेस्ट पीछे जाएगा आपकी बॉडी पीछे जाएगी और आपकी नॉर्मल बैकफ्लिप पड़ेगी, गिनर नहीं मार पाओगे। स्टेप नंबर टू, यहां पर आपको करना पड़ेगा, आपकी बॉडी एक ही जगह पर आ रही है तो आपको स्टिल ट्राई करना कि हर बार आपकी बॉडी एक ही जगह पर घूमे। मैं सामने हूँ, बॉडी ऊपर गई एंड चेस्ट को होल्ड रखना है, टाइट रखना पड़ेगा ताकि मैं एक ही जगह पर बॉडी को घुमा पाऊँ। तो आपको भी ये चीज करना है कि मेरी बॉडी ऊपर गई, चेस्ट एक ही जगह पर होल्ड रहा, टक करा एंड लैंडिंग। स्टेप नंबर थ्री, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है। जिस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरी जो प्रोग्रेस वीडियो थी, जिस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाउन एंगल पे करा। अगर आपके पास कोई ऐसी लोकेशन हो जहाँ पर आपकी डाउन हो तो आप ऊपर से नीचे करोगे बैकफ्लिप, एक बार में आप सीख जाओगे। तब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एंड इस तरीके की सरफेस हो तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस ऊपर से बैकफ्लिप परफॉर्म करनी, या तो आप पीछे बैकफ्लिप मार दीजिए या फिर एक जगह पर आ जाइए, बॉडी ऑटोमेटिक आगे चली जाएगी। ये एक इल्यूजन होता है गाइस कि अगर मुझे डाउन थोड़ा दिख रहा है, कोई भी फेस सरफेस सकती है, अगर ग्राउंड हो, कोई स्लाइडिंग ग्राउंड हो, कि मैं बस सिंपली खड़ा हूँ और मुझे बस बैकफ्लिप करनी है तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली आगे फेंक देगी अपने आप को। तो यहाँ पर एक बेनिफिट होता है ऐसे लोकेशन का कि सिंपली खड़े रहो, फोकस करो कि मुझे एक ही जगह पर आना है, या तो एक जगह पे आ जाओगे या फिर आप नीचे गिर जाओगे। बस मुझे चेस्ट को आगे फेंकना ताकि मैं प्रॉपर खड़े हो पाऊं। स्टेप नंबर फोर, अब यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपकी रोटेशन, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन ही है जिससे आप प्रॉपर फ्लिप कर पाओगे कंप्लीट, क्योंकि आपको अपने चेस्ट को अंदर खींचना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रॉपर ऊपर गया गेनर करी, टक करने के समय आपको टक प्रॉपर करना है एंड खींचना है, अगर आप खींचोगे नहीं तो आप नीचे गिर जाओगे, इसलिए आप खींचिए, ट्राई करिए खींचने की जरूरत पड़ेगी। हैंड सामने, डाउन, बॉडी ऊपर जंप, टक करा एंड खींचिए, रोटेट फास्ट करिए, अगर आपका रोटेशन ही नहीं रहेगा तो आप गिर जाओगे। मेरे जितने भी फ्रेंड्स स्टार्टिंग में सीख रहे थे सब गिरे क्योंकि वो रोटेशन स्लो करते हैं। लाइक दैट आपने प्रॉपर आगे गए, हैंड आगे गया, चेस्ट आगे गया, बॉडी घूमी एंड लैंडिंग के टाइम पे आपका रोटेशन स्लो था इसलिए आप नीचे गिर गए। करें कि बॉडी एक ही जगह पर ऊपर हवा में घूमे, आप घूमते घूमते नीचे आइए ताकि आपका फ्लिप और इजी क्लियर हो। वंस मोर, मेरा हैंड सामने, डाउन, मैं आगे फेंकूंगा, चेस्ट भी आगे जा रहा है साथ में ट्रैवल कर रहा है, टक करा एंड खींचते समय बॉडी को एक ही जगह पर घुमाना है ताकि मैं प्रॉपर लैंड कर सकूं। मैं सिंपली खड़ा हूं, मुझे सिंपल खड़ा होना है, मेरा रोटेशन अच्छा है, मुझे बस यही रोटेशन को गेनर के अंदर ऐड करना पड़ेगा ताकि मैं गेनर को कंप्लीट लैंड कर पाऊं। स्टेप नंबर फाइव, यहाँ पर आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सो आपको प्रॉपर इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हैंड सामने, डाउन, बॉडी ऊपर गई, चेस्ट को एक ही जगह पर आगे फेंकना है जिससे आपका लैंडिंग स्मूथ हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। बस ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आया। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ अपने मित्रों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बनता है और मिलते हैं, बाय।